स्वाति जी, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन दिनों बच्चों की ही नहीं हमारी भी परीक्षा चल रही है। क्या कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल, बच्चों की परीक्षाएं शुरू होते ही ऐसा लगता है जैसे माता पिता की खुद की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं जी, और बच्चों से ज्यादा शायद वो तनाव में रहते हैं। जी, आपने बात की है तनाव की, और तनाव हम देखते हैं बच्चों से अधिक माता पिता पर नजर आता है। तो माता पिता बच्चों के लिए किस तरह एक अच्छे काउंसलर इस समय साबित हो सकते हैं? अच्छे काउंसलर के बारे में अगर हम बात करें तो उनमें कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि बच्चों की भावनाओं को अच्छी तरह से समझ पाना जी। जो तनाव बच्चा ले रहा है उसको हम समझें कि वो क्यों ले रहा है, जैसे उसको परेशानी क्या आ रही है, बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, उसको पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं होती हैं या उसका टाइम टेबल सेट नहीं है, या फिर शायद वो सब कुछ कर रहा है लेकिन कुछ निगेटिव वर्ड्स हैं जो शायद पेरेंट्स उसे दे रहे हैं, जैसे वो इतनी देर पढ़ता है, तुम बहुत कम देर पढ़ते हो, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए एग्जाम में तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना जी। तो इस तरह की जब बातें होती है तो एक हम निगेटिव माहौल बच्चे के लिए क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वो परीक्षा को बहुत ज्यादा तनाव लेने लगता है, तो उस हड़बड़ी में भी बच्चा भूल जाता है। तो माता पिता से अच्छा काउंसलर कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि वो बच्चे की रग रग से वाकिफ होते हैं, उसकी भावनाओं को, उसकी समस्याओं को वो ही अच्छी तरह से जानते हैं जी। तो उसकी समस्याओं को जब वो समझते हैं तो उसके लिए समाधान भी दे पाते हैं, और समाधान मिलते ही बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट लाने लगता है। बिल्कुल सही है, आपके कहने का आशय है कि माता पिता को अपने बच्चे की तुलना अन्य बच्चों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का पढ़ाई करने का एक तरीका अलग होता है या समझने का तरीका अलग होता है, तो बच्चा जिस तरह से सहज महसूस करे माता पिता को उसी तरह से उसे समझाना चाहिए। बच्चा इन दिनों हमने देखा है कि मानसिक थकान भी महसूस करता है, तो ऐसे में उसकी दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए? देखिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ने के लिए हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा अगर कंसंट्रेशन और मेमोरी की अगर हम बात करें तो 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स का एक नॉर्मल एडल्ट का कंसंट्रेशन होता है, उसके बाद हम सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम ये सोचें कि बच्चा 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यूस पढ़ता रहेगा और उसको हम उठने ही न दें अपनी जगह से, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी देर तक कॉन्सेंट्रेट कर पाए। दूसरा एक फैक्टर होता है मेमोरी के साथ में कि जिन चीज़ों को बच्चे ने आज सीखा अगर एक वीक तक उसको रिवाइज नहीं करता है तो उन चीज़ों को वो धीरे धीरे भूलने लगता है। तो हम उसका टाइम टेबल इस तरह से सेट करें कि ये दोनों जो फैक्टर्स हैं उनको वो भी ध्यान में रहे और उसका बेनिफिट बच्चे को मिल पाए जी। तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि 1 आवर तक वो एक कंटिन्यूस सिटिंग में पढ़े और उसके बाद 10 मिनट्स के ब्रेक वो ले ले जी। तो उन ब्रेक्स में वो चाहे तो मतलब सिर्फ पानी पी के आके बैठ सकता है या अपनी पसंद का कोई सॉन्ग सुन सकता है या थोड़ी देर कुछ खेल सकता है, बट टीवी और मोबाइल ये चीज़ वो अवॉइड करे, क्योंकि एक बार अगर ऑन हो जाता है तो वो 10-15 मिनट्स कब उसके शायद 2 आवर्स 3 आवर्स में चेंज हो जाएंगे ये हम पता नहीं लगा सकते। और स्वाति जी, हम देखते हैं कि बच्चे आजकल टीवी और मोबाइल के ज़्यादा एडिक्ट भी हो रहे हैं और उनको पसंद भी वो ही आ रहा है, लेकिन इसके लिए माँ बाप कुछ गेम्स उनके साथ वो खुद भी खेल सकते हैं इन सब चीजों से बचाने के लिए, या कुछ जो उनके इंटरेस्ट की होती हैं चीजें उनकी तरफ उनको बिल्कुल उनको करवा सकते हैं। ये तो हमने बात की कि जो स्कूलिंग के एग्जाम दे रहे हैं, कई बार हम देखते हैं कि जो कोचिंग के एग्जाम्स होते हैं और माँ बाप की ये धारणा होती है कि बच्चे को हमने एडमिशन करा लिया तो बच्चा उसमें से पास आउट होके ही निकले, चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की हो, तो कई बार बच्चा उसको अपने जीवन मरण का प्रश्न भी बना लेता है। तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को किस तरह से बच्चों के साथ अपना व्यवहार रखना चाहिए जब बच्चा इस तरह की कोचिंग ले रहा होता है। पहला तो ये कि जरूरी नहीं है कि बच्चे की जो करियर ऑप्शंस हैं वो सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल में ही हो, ये हम सोच रहे होते हैं या हमें वही रास्ता एक दिखाई दे रहा होता है, तो बच्चों से एक तो कंटिन्यूस बात करते रहिए, उनकी जो एबिलिटीज हैं, उनकी जो इंटरेस्ट एरियाज हैं, और उसके अलावा जैसे जो पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं, बच्चा किन कामों को करने में शायद ज्यादा अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, उन सब फैक्टर्स पे अगर हम
बात करते रहें उससे, हम ऑप्शंस एक्सप्लोर करते रहें, तो हमें ये पता चलेगा कि इन दो फील्ड्स के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बिल्कुल सही। दूसरा, बच्चे को ये भी बार बार आप याद दिलाते रहें कि सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाना ही जो है वो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट नहीं है लाइफ का जी। आपके पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे आप अपने करियर तक, एक सक्सेसफुल करियर तक आप पहुंच सकते हो, तो उन रास्तों के बारे में हम बातचीत करते रहें। तो जब हम खुद नहीं तनाव लेंगे, जब हम खुद इन बातों को समझेंगे, तभी हम बच्चे को समझा पाएंगे। आप सही कह रही हैं कि आजकल करियर के लिए कोई एक या दो लाइन नहीं रह गई है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे विकल्प हैं बच्चों के पास कि वो उस लाइन में जा सकते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। एक हम देखते हैं कि साल भर बच्चा कोचिंग भी जा रहा है, स्कूल भी जा रहा है, माँ बाप को लगता है कि नहीं बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई कर ली है, वो कोचिंग ले ही रहा है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं जब परीक्षा का समय आता है तो मम्मी पापा भी और बच्चा भी सब तनाव में आ जाते हैं कि अरे इतना सारा कोर्स है कैसे करेंगे। तो इन सब का क्या कारण होता है, कहाँ कुछ कमी रह जाती है उनकी पढ़ाई में कि वो परीक्षा के समय में तनाव में आ जाते हैं? कमी तो देखा जाए तो पहले जब टाइम बहुत ज़्यादा होता है तो हमें लगता है कि अभी बहुत समय है, तो जब एकदम लास्ट का टाइम आ जाता है तब ऐसा लगता है कि कैसे उस टाइम को मैनेज करें। तो जो पढ़ाई का बच्चों का टाइम टेबल है वो थोड़ा सा पेरेंट्स हेल्प करेंगे तो वो समझ पाएंगे कि एक तो जितना भी बच्चे के पास टोटल टाइम अवेलेबल है उसको उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, मतलब एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ने की बजाय एक दिन में उसको बोलें कि आप दो सब्जेक्ट पढ़ें जी। और हर तीन दिन का या एक हफ्ते का, छः दिन का आप उसका टारगेट सेट कर दें कि आज जो दो सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसमें आपको इतने चैप्टर्स जो हैं वो लर्न करने हैं, उनकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है या उसका रिवीजन करना है, जो भी है वो आप बच्चे के साथ बैठ के उसको ये पूरा डिवीजन उसका जो है वर्क का वो करवाइए। तो उससे बच्चे को भी तनाव ज़्यादा नहीं होगा कि इतना कोर्स है मैं किस तरह से करूं, और न आपको ये रहेगा कि पता नहीं उसने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है जी। तो थोड़ी सी आप मदद कर देंगे तो उसके लिए भी आसान हो जाएगा। दूसरा, बच्चे को ये बोलें कि जो भी चीज़ वो लर्न कर रहा है उसको थोड़ा सा फास्ट लर्न करे, जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर ले, फ्लो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, इनकी हेल्प से उसको जब पढ़ने के लिए बोलते हैं तो रिविज़न बहुत फास्ट हो जाता है, बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन भी जो है वो ब्रेक नहीं होता क्योंकि हर दो मिनट अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन भी पूरा रहता है, चीजें याद भी ज्यादा रहती हैं क्योंकि इस तरह से जब हम याद करते हैं तो। और दूसरा, तनाव कम हो जाता है आपका भी और बच्चे का भी। बिल्कुल, डॉक्टर स्वाति ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि किस तरह वो साल भर अपनी पढ़ाई को टाइम टेबल बना के और किस तरह से सब्जेक्ट की पढ़ाई करके, एक दिन में दो दो सब्जेक्ट है पढ़कर, और वो उसको आसान कर सकता है कि जो उसको बहुत ही लेंथी कोर्स लगता है वो उसके लिए आसान हो जाता है जब वो उसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ लेता है। अब बात करते हैं बच्चों के खान पान की। हमने देखा है कि बच्चों को अक्सर फास्ट फूड पसंद होता है या गरिष्ठ खाना, तला भुना खाना वो खाता है, तो क्या एग्जाम के समय में उसको कुछ खान पान पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए बच्चे के? बिल्कुल, क्योंकि खान पान का हमारा सीधा सा जो संबंध है वो न्यूट्रिशन से है, और अगर न्यूट्रिशन की कमी होती है बॉडी में तो आपका मूड और एनर्जी वो ड्रॉप हो जाते हैं, आप ध्यान नहीं लगा पाते या चीजों को रिकॉल करने में भी दिक्कत आती है, जो हमने याद किया है उसको हम याद नहीं रख पाते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने का सीधा सा सोल्यूशन यह है कि एक तो जंक फूड बच्चे उनको अवॉइड करना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये ज्यादा लें, पानी पीते रहें, मतलब लिक्विड इनटेक जो है वो ज्यादा हो बच्चे का। और इसमें एक जो है, बहुत सारे बच्चों की ये टेंडेंसी होती है कि एग्जाम के टाइम पे वो खाना स्किप कर देते हैं, या तो ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर, तो रीजन बच्चे देते हैं वो ये देते हैं कि हमें नींद आती है इसलिए हम खाना नहीं खा रहे हैं। लेकिन बॉडी में न्यूट्रिशन का होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप एक बार में नहीं करके आप तीन चार बार में थोड़ा थोड़ा करके खाना खाइए ताकि वो जो नींद आने की जो समस्या है वो भी नहीं हो और न्यूट्रिशन भी जो है वो प्रॉपर बॉडी में पहुंच पाए। डॉक्टर स्वाति, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी अभी दी है इस कार्यक्रम में कि बच्चे परीक्षा के तनाव से कैसे बचें और उनके अभिभावक भी। और चलते चलते हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभिभावक जो कि मम्मी होती है वो तनाव को अधिक पालती है इस समय, तो वो किस तरह से इस तनाव से बचें
और किस तरह से बच्चे को ऐसा माहौल दे कि बच्चा भी उस तनाव से बचा रहे। जी, तनाव को कम करने के लिए एक नहीं, हमें 5 फैक्टर्स जो हैं उन पर हम वर्क करना होगा। पहली चीज़ तो ये कि बच्चे को एक एडिक्वेट एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करें, मतलब वो जब पढ़ रहा है तो उसकी एक प्रॉपर सिटिंग हो, उसको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिल पाए जो टीवी से दूर हो, टीवी या मोबाइल फोन इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से वो अलग रहे। दूसरा फैक्टर है उसकी डाइट और लिक्विड इंटेक से रिलेटेड, तो मदर्स खुद भी ज़्यादा जो है तनाव न लें, अपना भी डाइट जो है उसको प्रॉपर रखें और बच्चे को भी टाइम पे बोलें कि 2-3 बार करके वो खाना खाए ताकि और कोई समस्या न हो। तीसरा जो है किसी भी तरह की निगेटिव थाट्स जो हैं न अपने मन में लाएं न उसको बच्चे को कहें कि पता नहीं क्या होगा, फेल हो जाएगा तो, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो, या दूसरा इतनी देर पढ़ता है, मेरा बच्चा तो इतनी देर नहीं पढ़ता। तो जब आप खुद इन चीज़ों को नहीं सोचेंगे तो आप ये चीज़ बच्चे में भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल पाएगा। अगला जो फैक्टर है वो ये कि बच्चे को ये भी हमें बताना होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो सब कुछ नहीं होता है। अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, उन कारण को अगर आप फाइंड आउट करके सोल्यूशन देंगे तो नेक्स्ट टाइम उस चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा। बिल्कुल, तो इस तरह का एक सकारात्मक माहौल बनाए रखें तो अच्छा रिजल्ट होगा ही। बिल्कुल, डॉक्टर स्वाति गौतम, आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आई, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी परीक्षा के तनाव से कैसे बचें इस विषय पर दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।